नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसी सभ्यता की जिसने भारतीय संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ा और हम भारतीयों को कई सारी देनों से नवाजा। बच्चों, इस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात करें बच्चों, तो इसका परिचय का इतिहास हम लोगों से ज्यादा पुराना देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसकी खोज आप लोग देखोगे तो 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में एक भारतीय पुरातत्वविद जिनका नाम था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया जिसका नाम था हड़प्पा। इसी कारण इस सभ्यता का हम लोगों को नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ता हुआ दिखाई देता है। 1921 से लेकर मैं 2023 तक बात करूं तो कुल 1500 स्थल इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं, और इस सभ्यता में जब स्थल खोजे जा चुके हैं तो इसी दौरान इस सभ्यता का एक लंबा कार्यकाल हम लोगों के सामने आता हुआ दिखाई देता है। अलग अलग इतिहासकार इसके टाइम पीरियड को या कालयुग को अलग अलग अपना अनुमान लगाते हुए बताते हैं, लेकिन हमारे पास में जो एक कार्बन डेटिंग पद्धति है जिसे C14 कहा जाता है, वो इसे 2350 से 1750 BC का आसपास का मानती है। जब बच्चों ये सभ्यता इतने समय तक चली तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि इस संस्कृति ने, या हम लोग बात करें इस सभ्यता ने, हम भारतीय लोगों को कई सारी देनों से नवाजा। उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों ने बच्चों हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में सुना होगा, तो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन ने किस प्रकार से भारतीयों को, हम लोगों को प्रभावित कर दिया। तो बच्चों देखो, नगर नियोजन यहां का देखा होगा ना आप लोगों ने, तो जिस प्रकार से आज हम लोग वर्तमान में समकोण पर काटती सड़कें बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चे, तो समकोण पर काटती हुई सड़कें बना रहे हैं, उसी दौर में हम लोग आज उत्तम जल निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी दौर में जहां हम लोग कुएं बना रहे हैं, प्लानिंग करके घर बना रहे हैं, ऐसे ही व्यवस्थित टाउन प्लानिंग, नगरों को बनाने की व्यवस्था आज से आप लोग लगभग देखने जाओगे तो 4500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता यहां के लोग भी ऐसा ही किया करते थे। तो उन लोगों ने किया तभी तो हम लोगों तक पहुंचा। तो यह हड़प्पा सभ्यता की हम लोगों को देन देखने को मिल जाती है। वही बात करें बच्चों, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में भी हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता की देन देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है बच्चों, तो आप लोग देखोगे सामाजिक क्षेत्र में क्या देन देखने को मिलती है, तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों को वहां के लोग आभूषण पहनते हुए दिखाई देते हैं। क्या पहनते हुए दिखाई देते हैं, आभूषण। वहां स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आज हमारे वर्तमान के भारतीय संस्कृति में भी आप लोग देखोगे तो महिला पुरुष आभूषण पहनते हुए आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो यहां सामाजिक क्षेत्र में आप लोग देखोगे आभूषण देखने को मिलेंगे आप लोगों को, सोना चांदी तांबा इनका प्रयोग वहां पर आप लोगों को आभूषणों में देखने को मिल जाएगा। आप लोग वहां देखोगे महिलाओं का महत्व आप लोगों को देखने को मिल जाएगा समाज में। आज भी भारतीय समाज को देखो, महिलाओं का महत्व भारतीय समाज में आज वर्तमान में महिलाएं चांद तक पहुंच चुकी हैं, ठीक है। फिर बात करें हम लोग धार्मिक क्षेत्र में भी क्या कोई देन देखने को मिलती है हम लोगों को, तो बिल्कुल बच्चों धार्मिक क्षेत्र में भी हम लोगों को देन देखने को मिलती है। यहां आप लोग देखा होगा हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पावासी शिव की पूजा किया करते थे, मातृ देवी की पूजा किया करते थे, और तो नीम पीपल नाग तक की पूजा किया करते थे, जो कि वर्तमान भारतीय समाज में भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इसी प्रकार के देवी देवताओं की प्रधानता हम लोगों को देखने को मिलती है। वही बात करें क्या आर्थिक क्षेत्र में कोई इस सभ्यता ने भारतीयों को कोई गिफ्ट दिया क्या, तो बिल्कुल बच्चों वहां का जो व्यापार था, फॉरेन जो विदेशी व्यापार होता था, उसी प्रकार का आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि व्यापार विदेशी हम लोगों को देखने को मिलता है, उसी पैटर्न पे हम लोगों को विदेशी व्यापार देखने को मिलता है। पशुपालन में भेड़ बकरी यहाँ के लोग पाला करते थे, आज भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा भेड़ बकरी का एक अहम योगदान देखने को मिल जाएगा।
इसी प्रकार कृषि की बात करें, यहां के लोग गेहूं, जो गन्ना, तमाम प्रकार की चीजें उगाया करते थे, कपास उगाया करते थे, जो वर्तमान में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक आधार हम लोगों को देखने को मिलती है। वही बात करें हम लोग, क्या राजनीतिक जीवन में या राजनीतिक, क्या हड़प्पा सभ्यता की भारतीयों को कोई देन हम लोगों को देखने को मिलती है क्या? तो बच्चों आप लोग देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता में कई सारे स्थल, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में एक नगर पालिका स्तर की हम लोगों को शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये वहां पर नगर पालिका स्तर की शासन व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है। मतलब आप वर्तमान में भारतीय को देखोगे, भारत का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर देखोगे, उसमें भी नगर पालिका स्तर पर शासन व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम इसको रिलेट करें ना बच्चों, तो ये हड़प्पा सभ्यता की ही हम लोगों को एक कहीं ना कहीं देन देखने को मिलती है। तो ये बच्चों कुछ देन थी जो उस सभ्यता ने, जो आज से 4500 साल पहले हम लोगों को चलती हुई दिखाई देती है, और ये उसी के हम लोगों को गिफ्ट देखने को मिलते हैं। बच्चों आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।